नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारे देश की मेगा सिटीज, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इन मेगा सिटीज में आप कंजेस्टेड गलियों को, ट्रैफिक जाम को, पोल्यूटेड एयर को देख सकते हो। वैसे देखो, एवरेज अगर हम निकालें तो एक एवरेज जो इंडियन है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड कम ही एमिट करता है एज कंपेरिजन टू ग्लोबल एवरेज। लेकिन देखो, चिंता की बात यह है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो 2 गुना से भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू ग्लोबल कार्बन एमिशन। ये 2018 की हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, बेसिक एक एवरेज इंडियन हमारे देश में अभी कम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड CO2 एमिट करता है, लेकिन इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो 2 गुना से भी ज़्यादा तेज गति से बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू ग्लोबल कार्बन एमिशन। वैसे देखो, पूरे वर्ल्ड में जो एमिशन होता है 25% जो होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से जो टोटल एमिशन होता है उसमें से अकेला 75% होता है रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से। देखो, हमारे देश में विभिन्न सिटीज में रोड ट्रांसपोर्ट का जो पैटर्न है वो अलग अलग है, लेकिन एमिशंस की बात करें दिल्ली में ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा एमिशन होता है एज कंपेरिजन टू दूसरी मेगा सिटीज जैसे मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, अगर हम हमारे देश के शहरों में CO2 का एमिशन रिड्यूस कर देते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो देखो, सीधा सीधा बेनिफिट ये होगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। अगर CO2 का एमिशन कम होगा तो हवा साफ होगी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो अगर CO2 का एमिशन कम हो रहा है तो इसका मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हो रहा है। तो लोग देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, थोड़ा पैदल भी चलेंगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार ऐसा क्यों कि देश के कुछ जिलों में कार्बन एमिशंस ज़्यादा होता है और कुछ जिलों में कम होता है? तो राइटर कहते हैं, हमारी एक स्टडी है जो पब्लिश हुई थी इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में। स्टडी में ये बताया गया था, इनकम और अर्बनाइजेशन दो ऐसे फैक्टर हैं जो कार्बन एमिशंस को डिफाइन करते हैं, बताते हैं मतलब कार्बन एमिशन कितना होगा। जैसे एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसा जिला है जहाँ पे अमीर लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब देखो, उस जिले में अमीर लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो अमीर लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए। तो प्राइवेट व्हीकल्स का वो इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा। अब इसी जिले के कंपैरिजन में एक दूसरा जिला कंसीडर कीजिए, जो दूर दराज का जिला है, पिछड़ा जिला है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब हैं, तो वो उनके पास देखो पर्सनल व्हीकल नहीं होगा, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और कार्बन एमिशन कम होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि देखो, कई सारे तो अर्बन सिटीज़ भी ऐसी हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली और मुंबई। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, दिल्ली में कार्बन एमिशन 2 गुना ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू मुंबई। दोनों मेगा सिटीज़ हैं, फिर ऐसा क्यों कि दिल्ली में 2 गुना ज़्यादा एमिशन और मुंबई में रिलेटिवली कम एमिशन? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि इस बात पर भी कार्बन एमिशन डिपेंड करता है सिटीज़ का डिज़ाइन कैसे है। क्या सिटीज़ का डिज़ाइन इस प्रकार से है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो? क्या सिटीज़ का डिज़ाइन इस प्रकार से है 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है? कहने का मतलब देखो ये है, सिटीज़ का डिज़ाइन जो है वो भी डिसाइड करता है कि किसी सिटी में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड CO2 कितना ज़्यादा एमिट होगा। इसके बाद देखो, राइटर के द्वारा 2 सजेशंस दिए जाते हैं। हमारे देश में विभिन्न सिटीज़ में जो मेयर्स या फिर टाउन प्लानर्स हैं, उनको सिटीज़ को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो और सिटी का डिज़ाइन इस प्रकार से हो साइकिलिंग आसानी से हो सके। काफ़ी बार देखो, सिटी का डिज़ाइन इस प्रकार से होता है, साइकिलिंग के लिए जगह ही नहीं होती। अगर साइकिलिंग ज़्यादा की जाती है सिटी ड्वेलर्स के द्वारा, तो काफ़ी सारी बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ कुछ
डेटा भी दिया हुआ है, डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बताया गया है डायबिटीज़ या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है रेगुलर साइकिलिंग से, और ज़्यादा कार यूज करने की वजह से डायबिटीज़ या फिर दूसरी बीमारियाँ हो सकती हैं। एग्जाम्पल भी दिया जाता है यहाँ पर, साउथ वेस्ट दिल्ली, पोस इलाका है साउथ वेस्ट दिल्ली, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 30% मैन ओवरवेट हैं, मोटे हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम, अलाहाबाद ये रिलेटिवली छोटे शहर हैं। तिरुवनंतपुरम में 25% जो मैन हैं वो मोटे हैं, ओवरवेट हैं, और 13% जो मैन हैं अलाहाबाद में वो ओवरवेट हैं। तो आप देख सकते हो जितना अमीर इलाका होगा उतना ही ओवरवेट मैन की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि रीज़न साफ है, अमीर इलाकों में पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और वो लोग जो पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये इंश्योर करने के लिए कि अर्बन एरियाज़ में कम से कम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल का, पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करें। तो कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, जैसे फ्यूल प्राइस को इंक्रीज़ कर देना, कंजेशन के लिए चार्जेस लगाना, पार्किंग के लिए चार्जेस जो हैं उनको बढ़ा देना, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए अर्बन एरियाज़ में कम से कम लोग अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करें। और जबकि देखो हैरानी वाली बात ये है, फ्यूल प्राइस को अगर इंक्रीज़ किया जाता है तो इसकी दोहरी मार पड़ती है रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों पर, क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं होता, उनको तो मजबूरी में काफ़ी बार पर्सनल व्हीकल का सहारा लेना पड़ता है, तो उन पे बर्डन बढ़ जाता है अगर फ्यूल प्राइस को इंक्रीज़ किया जाता है। उनकी मोबिलिटी प्रभावित होती है, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा नहीं पाते फ्यूल प्राइस बढ़ने के कारण। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से फ्यूल प्राइस बढ़ने का असर किस प्रकार से होता है अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों पर और किस प्रकार से होता है रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों पर। अब बात करते हैं दूसरे सजेशन की। राइटर के द्वारा दूसरा सजेशन ये दिया जाता है, हमें देखो और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है ताकि हम हमारे देश में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें। राइडर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो जो कार्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कार्स हैं उनकी तरफ अभी जनता का अट्रैक्शन देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दो पहियों का कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर तीन पहियों का है, उनके लिए बैटरी छोटी होती है, बैटरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना आसान होता है, घर पर या फिर किसी दूसरी जगह पर व्हीकल को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। लेकिन कारों के लिए अभी इतना इनोवेशन नहीं आया है, तो इस वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कारों को नहीं खरीद रहे हैं लेकिन दो पहिए या फिर तीन पहियों वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे परचेज कर रहे हैं। आंकड़ा भी यहां पर दिया हुआ है, अभी इंडिया में 15 लाख बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा हैं, अकेले 3 लाख ई रिक्शा को बेचा गया था 2018 में, आने वाले कुछ सालों में ई रिक्शा की जो सेल है वो 10% से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर हम टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो 2019 में 1,10,000 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए, और ग्रोथ रेट जो है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आने वाले कुछ सालों में पर ईयर 40% से ज़्यादा रह सकती हैं। एक ये फैक्ट है, इसका इस्तेमाल आप अगर कहीं कर सको तो। इंडिया देखो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है ऑटोमोबाइल्स के लिए, 25 मिलियन इंटरनल कंबसन इंजन वाले व्हीकल्स बेचे गए थे हमारे देश में 2017 में, और 25 लाख में से 20 लाख जो व्हीकल्स बेचे गए थे वो तो देखो टू व्हीलर व्हीकल थे। तो कहने का मतलब देखो ये है, टोटल जितने व्हीकल्स की सेल होती है इंडिया में उसमें मेजॉरिटी संख्या तो देखो टू व्हीलर व्हीकल्स की होती है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है अगर हम बात करें टू व्हीलर व्हीकल्स की और थ्री व्हीलर व्हीकल्स की, मतलब टू व्हीलर व्हीकल्स और थ्री व्हीलर व्हीकल्स ना सिर्फ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बल्कि कंज्यूम भी होते हैं। तो अगर इंडिया इन्हीं टू व्हीलर व्हीकल्स को, थ्री व्हीलर व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच कर पाता है तो ना सिर्फ देखो जॉब्स बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी, मेक इन इंडिया हमारा जो प्रोग्राम है ये सफल होगा, बल्कि कार्बन का जो एमिशंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। लास्ट में राइटर के द्वारा तीसरा सजेशन ये दिया जाता है, सिटीज़ को कॉम्पैक्ट बनाया जाए, यानी सिटीज़ में जो एक्सेसिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। काफ़ी बार आपने देखा होगा सिटीज़ में ऐसी लोकेशंस जैसे फेमस स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल या फिर जॉब लोकेशन, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं एक साथ,
तो वहां पर आने के लिए रास्ते में जाम लग जाता है। तो टाउन प्लानर्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार का रास्ता खोजें कि उन जगहों को एक्सेस करने के लिए कोई शॉर्टेस्ट रूट उपलब्ध हो, वहां पर जाने के लिए जाम ना लगे और एक्सेसिबिलिटी लोगों की आसान हो। और अगर नई सिटीज प्लान करनी है तो ये ध्यान में रखा जाए टाउन प्लानर्स के द्वारा सिटीज में जो बेसिक सर्विसेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ऐसा ना हो कि इस इलाके में एक हॉस्पिटल है बाकी पूरे इलाके में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर तो इस एरिया से लोग जाएंगे ना सभी इस हॉस्पिटल की तरफ, तो ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा खर्च भी आएगा और एमिशन भी ज़्यादा होगा। जबकि ये बेसिक सर्विसेज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी पूरी सिटीज़ में जगह जगह पर, तो लोगों को इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल कम होगा और इससे एमिशंस भी कम होगा। तो ये सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट से होने वाले कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए। तो चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।